पाकिस्तान अपनी पूरी कोशिशों में जुटा है कि वे भी भारत वाली कूटनीति अपनाकर भारत को क्षेत्रीय स्तर पर अकेला कर सके। इसके लिए वह श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल और ईरान से दोस्ती की गलबैया करने के प्रयास में है। श्रीलंका, बांग्लादेश जैसे मुल्क उसके सब जाल में नहीं उलझने वाले हैं, जबकि नेपाल का गुजारा पाकिस्तान से मेल मिलाप में हो नहीं सकता। इनमें से सभी देशों की अर्थव्यवस्था कम से कम पाकिस्तान से बेहतर है और उनकी विकास दर पाकिस्तान से बेहतर प्रदर्शन करने की ओर बढ़ रही है। ऐसे में पाकिस्तान के पास केवल बकलोली ही बचती है, जिससे अंतरराष्ट्रीय कूटनीति परिपूर्ण नहीं होती है। यह खरीद और विक्रय को ज्यादा अहमियत देती है, पर पाकिस्तान का खाली खजाना इन दोनों ही मामलों में ठनठन है। लेकिन इन देशों से इतर एक मुल्क और है जो पाकिस्तान का खजाना भर सकता है, या यह कहे कि उसकी शुरुआत गुपचुप रूप से हो चुकी है। यह देश है ईरान, जिस पर इस वक्त परमाणु का ऐसा भूत सवार है जिसे हासिल करने के लिए वह पूरा धन लुटाने को तैयार बैठा है। अब पाकिस्तान ने ईरान के साथ गलबैया काफी हद तक बढ़ाई है। पिछले 6 माह में पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष से लेकर विदेश मंत्री और स्वयं इमरान खान भी 2 बार ईरान की यात्रा कर चुके हैं, जबकि ईरानी विदेश मंत्री और सेना के अधिकारी भी पाकिस्तान का दौरा कर चुके हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि अमेरिका की CIA इन यात्राओं को लेकर ट्रंप प्रशासन के सामने चिंता व्यक्त कर चुकी है, किंतु इसके बावजूद दोनों देशों के भीतर पनप रहे मधुर रिश्तों के वास्तविक मकसद पर कोई समीक्षा नहीं हो रही है। खास बात यह भी है कि ईरान ने पिछले 2 महीने के भीतर परमाणु बम को लेकर बहुत ज्यादा आक्रामकता का प्रदर्शन किया है, यानी इसका मतलब यह है कि ईरान ने पाकिस्तान की कंगाली का फायदा उठाकर उससे परमाणु तकनीक और बहुत हद तक उपयोग में आने वाली सामग्री हासिल कर ली है। वर्तमान में दोनों देशों के रिश्ते स्वार्थ पर काम कर रहे हैं, यानी दोनों ही देश गुरु घंटाल की भूमिका में है। बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान की पीठ पर सवार होकर चीन भी परमाणु हथियार बनाने में युक्त होने वाली प्रौद्योगिकी ईरान को दे रहा है, पर मामला यहां तक नहीं है। ईरान पाकिस्तान गठजोड़ से भारत बिल्कुल भी चिंतित नहीं है। असली चिंता तो आने वाले सालों में खुद पाकिस्तान की ही बढ़ने वाली है। दुनिया को संदेह हो चुका है कि पाकिस्तान ने पूर्व में उत्तर कोरिया और लीबिया को परमाणु तकनीक बेचने के जो कारनामे किए थे, उसकी पुनरावृत्ति ईरान में हो रही है। वरना एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाने वाले ये मुल्क आज किस आधार पर एक दूसरे को सिवैया खिला रहे हैं। दोनों देशों में सांस्कृतिक रिश्ता भी नहीं है, जबकि धार्मिक आधार पर दोनों मुल्कों में मतभेद है। शिया और सुन्नी का कभी खत्म न होने वाला झगड़ा आज भी ईरान और पाकिस्तान के बीच मौजूद है, पर चूंकि पाकिस्तान कंगाल है और ईरान की परमाणु बम को लेकर अपनी महत्वाकांक्षा है, इसलिए बेमेल का गठजोड़ फिलहाल दुनिया के लिए मुश्किल जरूर बन रहा है। ओमान की खाड़ी में स्थित चाबार बंदरगाह के लिए ईरान पहले ही चीन और पाकिस्तान को आमंत्रित करके उन्हें खुश कर चुका है। शायद पाक ईरान संबंधों की यही पहली शर्त रही होगी, मगर इसके तर अगर ईरान परमाणु संपर्क बनता है तो उसका खामियाजा अमेरिका की बजाय सऊदी अरब या पाकिस्तान को ही भुगतना पड़ेगा। कहने वाले तो यही कहते हैं कि सऊदी अरब को भी पाकिस्तानी कारगुजारियों का इलम हो गया है, इसलिए उसने भी पाकिस्तान से अपने संबंध पिछले कुछ महीनों में सीमित किए हैं, क्योंकि सऊदी अरब को ईरान से सबसे ज्यादा खतरा है। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान की हठधर्मिता की वजह से एशिया के इस हिस्से के सुन्नी मुस्लिम देश एक बड़े संकट में आने वाले हैं, मगर बावजूद इसके पाकिस्तान का खेल जारी है। कमाल की बात यह है कि 13 फरवरी में ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड पर आत्मघाती हमले के बाद जहां दोनों देशों के संबंध खतरनाक स्तर पर पहुंच गए थे, अब शहद से भी बदूर हो गए हैं। आश्चर्य की बात यह है कि परमाणु अप्रसार की बात करने वाले तमाम संगठन और जिम्मेदार देश ईरान और पाकिस्तान की घेराबंदी करने की बजाय इनके प्रेम मिलाप से आंखें मूंदे हुए हैं। अमेरिका की CIA की सूचना के बाद भी ट्रंप प्रशासन पाकिस्तान की तरफ से लापरवाही का प्रदर्शन कर रहा है, जबकि आवश्यकता यही है कि ईरान को चोरी छुपे परमाणु प्रौद्योगिकी देने में जुटे पाकिस्तान पर लगाम कसी जाए। इस वक्त पाकिस्तान और ईरान के शीर्ष अधिकारियों द्वारा एक दूसरे के मुल्क में जिस तरह आना जाना लगा हुआ है, वह इनके बीच किसी बड़ी डील का साफ संकेत है। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। आपसे शीघ्र भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए।
जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।